महाराष्ट्र में उद्धव सरकार और एनसीपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नवाब मलिक द्वारा एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े पर लगाए आरोपों के बाद एससी आयोग ने उद्धव सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वहीं बीती रात एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक देशमुख का मामला थमा भी नहीं है कि महाराष्ट्र में एक और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस बार निशाने पर राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार से जुड़ी 5 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक पवार की जिन संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त किया है उनकी अनुमानित कीमत 1,000 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि आईटी के निशाने पर पवार काफी लंबे समय से हैं और लगातार उनकी करीबियों पर भी विभाग की छापेमारी जारी है। पिछले महीने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप और अजीत पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 184 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति का पता लगाया था। विभाग ने 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान आईटी विभाग ने अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार के मालिकाना हक वाली कंपनी अनंत मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापा मारा था। इसके अलावा पवार की बहनों के मालिकाना हक वाली कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई थी। माना जा रहा है कि इसके बाद से ही पवार की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन देशमुख की गिरफ्तारी होते ही अब पवार पर कार्रवाई शुरू होने से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। सोमवार देर रात ही प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में उनसे 12 घंटे तक पूछताछ की गई थी, लेकिन ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया। बता दें कि राज्य में अघाड़ी सरकार बनने के बाद से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर राज्य के मंत्री और नेता हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार में टकराव जारी है, लेकिन डिप्टी सीएम पर शुरू हुई कार्रवाई से अब अघाड़ी गठबंधन की मुसीबत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।